नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज जबलपुर में भीषण हादसा हुआ। एक अस्पताल में अचानक आग भड़की और यह आग इतनी भयावह थी कि पूरे का पूरा अस्पताल ही जलकर राख हो गया। 3 मंजिला इस बिल्डिंग में सब कुछ जलकर खाक हो गया। हादसे में अब तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर है, 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में अस्पताल के स्टाफ के भी 4 कर्मचारी हैं। मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ने की संभावना है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना पर दुख जताया है और उन्होंने जान गंवाने वाले लोगों की आर्थिक मदद का भी भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जान गंवाने वाले तमाम परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर मिलेगा और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों के संपूर्ण इलाज का खर्चा भी राज्य सरकार ही उठाएगी।